पिछले क्लास में प्रश्नमाला 13 का ए पूरा कंप्लीट किया था साझेदारी का, और उसमें टोटल 30 क्वेश्चन था। पार्टनरशिप का अधिकतर काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, और ये जो 13 का भी है उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा कुछ, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि पिछले पार्ट पे आधारित होगा। तो आइए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 17 क्वेश्चन इसमें टोटल है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज हम। प्रश्न को एक बार आप लोग पहले पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, और पहले कोशिश कीजिए कि आपसे बने। अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो देखिए कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है। प्रश्न है, तीन साझेदारों ए बी तथा सी ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 लगा करके एक व्यापार को शुरुआत करता है। तीन साझेदार है ना, ए बी और सी, ये तीनों साझेदार, ये लगाया 40,000 और ये लगाता है 38,000 और ये लगाता है 42,000। तो अगर हम यहाँ रेशियो दें तो ये पूंजी का अनुपात हो जाएगा, 3-0, 3-0, 3-0 कट गया। अगर हम छोटा करें तो 21 दुना 42, 19 दुना 38, 20 दुना 40, यानी कि 20:19:21 के अनुपात में क्या लगाता है, वो पूंजी लगाता है। आगे फिर प्रश्न में कहा गया, एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपया के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। टोटल रुपया लाभांश है 55,200, और ये लाभांश है कितने महीना का, 12 महीना का, अर्थात एक वर्ष का। कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। वर्ष के अंत में सबका एक एक साल के बाद लाभ लाभ बांटा जा रहा है, इसका भी एक साल के बाद, इसका भी एक साल के बाद, इसका भी एक साल के बाद। अगर एक से गुना भी कर देंगे सबका तो उससे मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूंजी और समय की गुणनफल का अनुपात ही दर्शाता है लाभांश का अनुपात। अगर एक साल का बात कहा है तो एक से गुना करेंगे, क्योंकि पूंजी है और ये समय है, पूंजी है और समय के गुणनफल का जो रेशियो होता है वही लाभांश का अनुपात होता है। पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं कि समय अगर सबका सेम हो, सभी पार्टनर का अगर सेम समय हो लाभांश बांटने का, तो हम समय से नहीं भी गुना करेंगे तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां से टोटल लाभ अनुपात में कितना, 9, 1, 10, 0, बाकी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, अर्थात टोटल लाभांश तीनों का अनुपात में 60, अनुपात में 60, लेकिन संख्या में तीनों का टोटल लाभ है 55,200 रुपया। यहां से अनुपात 1 का मान निकाल लेते हैं, 6 8 48, 6 9 54, तो शेष बचेगा 1, 12 बनेगा, 6 2 12, अनुपात 1 का मान 920। यहां से हमें कह रहा है प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करना है, तो प्रत्येक के मान में क्या करेंगे, इससे हम गुना कर देंगे, 920 से 20 में 19 गुना 920 और 21 गुना 920। जब ये गुना कीजिएगा तो 2 से 1 गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 2 0 यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो गया। यहाँ से 19 दूना 38 का 8, बाकी 3, 19 नवा 171, 171 3 174, और यहाँ से 21 दूना 42 के 2, बाकी 4, 21 नवा 189, 189 और 4 193, तो यही हो गया सबका अलग अलग लाभ की राशि। आंसर मिला लीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजी प्रश्न था, इस तरह का प्रश्न हम लोग बहुत बना चुके हैं पिछले पार्ट में। चलिए देखिए आपसे अगला क्वेश्चन बनता है या नहीं, ट्राई कीजिए पहले। ट्राई
ट्राई करने के बाद आप लोग देखिएगा। दूसरा प्रश्न, ये 5,000 लगा करके एक व्यापार आरंभ करता है, ये लगाता है कितने राशि? 5,000। ठीक है, फिर आगे कहा तथा बी 2 महीना के बाद 4,000 लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। बी लगाता है 4,000 और सी 6 महीना के बाद 8,000 लगा करके शामिल होता है। सी कितना लगाता है? 6,000 की राशि, सॉरी यहाँ पे 8,000 कहा गया है, सी की टोटल राशि 8,000 है। फिर कहा कि वर्ष के अंत में 22,200 रुपया का लाभ मिलता है, 22,200 रुपया का लाभ मिलता है साल के अंत में, अर्थात 12 महीना के अंत में। तो ये तो हो गया पूंजी का बात। अब हम देखते हैं कि समय क्या है तीनों का, तीनों कितने कितने समय के लिए पूंजी को इन्वेस्ट करता है, ये शुरू से लेकर अंत तक रहता है, क्योंकि ये शुरुआत ही करता है व्यापार का, तो ये 12 महीना व्यापार में रहा। अब बी कितना महीना व्यापार में रहा? देखिएगा, कहा गया कि बी 2 महीना के बाद व्यापार में शामिल होता है, 12 महीना में सी 2 महीना के बाद शामिल हुआ था, तो मात्र 10 महीना ये व्यापार में रहा। सी जो शामिल होता है वो 6 महीना के बाद शामिल होता है, तो 12 महीना में से 6 महीना के बाद शामिल ही हुआ था, तो व्यापार में मात्र ये 6 महीना रहा, और ये 10 महीना रहा, और ये तो 12 महीना रहा। तो यही हो गया पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात, जो कि होगा किसका अनुपात? लाभांश का अनुपात। तो यहां से हम पहले शॉर्ट करके अनुपात को हम लिखते हैं, 3030 सब में कॉमन है, कॉमन फैक्टर को हटाते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10। तो यहाँ 5, यहाँ 5 कॉमन फैक्टर था, तो लेकिन इस तरह से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है नहीं, तो ये रहने देते हैं, यहाँ पे 10, 5 × 3 = 15, 10 और 6 × 2 = 12। तो ये हो गया लाभांश का अनुपात। टोटल लाभ अनुपात में तीनों का कितना होगा? 5 × 2 = 7, 1 × 1 = 2 = 3, अनुपात में 37 लेकिन संख्या में 22,200। देखिए कटेगा 46 × 42 = 2 = 4 × 6 = 18 = 22, 6 बार में कट रहा है। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान कितना गया? 600 आ गया। और यहाँ पे हमको कह रहा है कि प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक वाला भाग में गुना कर देंगे, 15 × 600, 10 × 600 और 12 × 600, 72,700। ये हो गया कितना? 6,000 और 15 × 6 = 90, 9,000। तो यही हो गया सबका अलग अलग लाभ की राशि। कोई डाउट समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़िए और बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन बताए हुए थे, 3 ग्वाले ABC मिलकर के 5,880 रुपया किराए पर लेते हैं, चरागाह किराया पर लिया जा रहा है, और कह रहा है कि ए अपनी 18 गाय 4 महीना चराता है, बी 16 गाय 6 महीना चराता है, सी 14 गाय 9 महीना चराता है, तो प्रत्येक का किराया कितना कितना राशि होगा? 3 नंबर देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बताया गया था पिछले पार्ट में भी। चलिए हल करते हैं, ए बी और सी 3 ग्वाला है गाय चराने वाला, और एक चरागाह लिया है 5,880 रुपया के किराया पर, 5,880 रुपया ये तीनों मिलकर के देगा, और तीनों मिलकर के देगा तो कैसे कैसे अपना गाय चराता है गौर कीजिएगा। ए
अपना 18 गाय चराता है ये 4 महीना के लिए, तो इसका किराया हो गया 18 गुना 4। बी का किराया होगा 16 गाय है और ये 6 महीना चराता है, तो बी का किराया 16 गुना 6। और सी का किराया 14 गुना 9, क्योंकि ये 9 महीना चराता है 14 गाय। तो यही हो गया टोटल किराया का अनुपात, जो कि ये दर्शाता है सबका हिस्सा अलग अलग। तो देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, 2 7 2 14 3 2 6 2 2 4, तो 18 2 36, 16 3 48, 9 7 63। इसका मतलब ये हुआ कि ए का किराया 36 रुपया होगा, बी का किराया 48 रुपया और सी का 63 रुपया। अनुपात में अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल किराया 8 6 14 3 17 का 7 6 1 3 1 4 4 8 6 14, तो टोटल किराया तीनों का मिलाकर के अनुपात में 147, लेकिन वही किराया टोटल संख्या में 5880 रुपया है। तो यहां से लगता है कि 4 बार में कटेगा, अर्थात 40:1=40, 36 × 40, अलग अलग गुना करने से सबका टोटल किराया मालूम हो जाएगा, 63 × 40, 4 3 12 2 6 4 24 1 25 0। सी का किराया टोटल 2520 रुपया, 8 2 32 2 3, 4 4 16 3 1920 रुपया किराया होगा बी का, 6 4 24 4 2 4 3 12 2 1440 रुपया किराया होगा किसका, ए का। तो यही हो गया सबका अलग अलग किराया। कोई डाउट नहीं समझने में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा पढ़िए, ट्राई कीजिए आप लोग, पहले बनाइए इसको, वीडियो को रोक करके अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग फिर से इसको वॉच कीजिए और देखिए कि कहाँ आपसे दिक्कत होता है समझने में। ए बी सी मिलकर के एक व्यापार कर आरंभ करता है, ठीक है, ए है बी और सी, इसका पूंजी 1:2:1:3:1:5 के अनुपात में है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंपल रूप में लाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 2 3 5 का LCM 30, 2 3 का LCM 6 और 6 5 का LCM 30 हो गया। तो 2 से 15 बार में भाग लगेगा, 15 × 15 3 10 30, 10 × 1 10, 5 6 30, 6 × 6, तो ये हो गया है किसका, पूंजी का अनुपात। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा जरा क्या कहा है, 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी वापस निकाल लेता है। 4 महीना के बाद बी अपना आधा पूंजी वापस निकालता है, बी के बारे में कहा, ए के बारे में प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया, अर्थात ए का जो पूंजी शुरू से अंत तक वही रहता है, यानी कि 15 है टोटल वर्ष के अंत में, यानी 12 महीना इसका किराया, 12 महीना का लाभांश इसको मिलेगा। अब बी के बारे में कहा गया है कि बी अपनी आधी पूंजी वापस निकाल लेता है 4 महीना के बाद, 4 महीना के बाद ना पूंजी निकाला है, तो 4 महीना तक तो फिलहाल इतने पर लाभांश मिलेगा 10 पर, तो 4 महीना का लाभांश इतना होगा। 4 महीना के बाद आधा पूंजी निकाल लेता है, तो जब 4 महीना के बाद आधा पूंजी निकाल लिया तो बचा कितना, आधा पूंजी है 10, इसका आधा बचा, यानी इतना बचा है। अब इतना पूंजी कितना महीना रहेगा, शेष 8 महीना, क्योंकि 12 महीना में लाभांश बटा जा रहा है, तो 4 महीना इधर रहा, शेष 8 महीना इधर रहा, तो टोटल ये हो गया बी का लाभांश, ठीक है। फिर आगे सी के बारे में देखिए क्या कहा गया है, सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि सी का भी पूंजी, इसका मतलब शुरू से अंत तक रहता है, अर्थात इसका भी पूंजी 12 महीना लगा रहता है। तो सबसे पहले इसको सिंपल रूप में कीजिए, और टोटल हमको लाभांश बांटना है 41,500 रुपया, और यहां से हमें सी का भाग मालूम करना है। ये टोटल जो लाभांश है, ये लाभांश है कितने महीना का, 12 माह का, तीनों का, इसको शॉर्ट करना है, 2 5 10, 15 × 12 10 चौका 40
आठ एकम 8 5 40, 40 और 40 हो गया 80। और इधर देखिएगा फिर कितना, 12 × 6 कटेगा, 3 × 4 = 12, 20 × 4 = 80, 3 × 4 = 12, क्योंकि 4 सम में कॉमन फैक्टर मिल रहा था, कॉमन फैक्टर को हटा देंगे थे। तो देखते हैं और कटेगा, अब तो नहीं लग रहा है कटेगा। 15 × 3 = 45, 20 × 6 = 18, टोटल लाभांश कितना होगा, 8 5 13 का 3, हाथ में 1 4 1 5 2 7 1 8, अनुपात में 83 या संख्या में 41,500। ये 5 बार में कटेगा तो इतना, यानी कि 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अनुपात 1 = 500, अनुपात 1 का मान 500, और इसी से जब अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका हिस्सा निकलेगा, लेकिन हमें यहाँ निकालना है सी का भाग, तो सी वाला में क्या करना होगा, 18 × 500 करना होगा, 18 × 5 = 90, 2 जीरो शेष आ जाएगा, यानी 90,000 हो गया किसका, सी का भाग। कोई डाउट समझने में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवे प्रश्न की तरफ। क्या है पांचवा क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे प्रश्न है ये। ए तथा बी ने मिलकर के व्यापार आरंभ किया, ए और बी, और पूंजी लगाया किस अनुपात में, 4:5 के अनुपात में। 3 महीना के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी अपने पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 महीना के बाद 60,800, टोटल लाभ कितना बांटना है, 60,800, और ये लाभ बांटना कितने महीना में है, 10 महीना में लाभ को बांटना है 60,800 रुपया को। लाभ में से प्रत्येक का भाग निकालना है, गौर कीजिएगा। 3 महीना के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस किया, 3 महीना के बाद, 3 महीना के बाद पूंजी वापस करता है। फिलहाल तो 3 महीना तक तो इतना पे लाभ मिलेगा, तो 3 महीना में इतना लाभ मिलेगा। अब शेष जो राशि बचा, 1/4 भाग निकाल लिया, टोटल राशि का 1/4 भाग वो निकाल लेता है, तो टोटल राशि का शेष 3/4 भाग क्या होता है, बच जाता है। 1/4 का शेष भाग 3/4 कैसे मालूम होगा, तो 1 में से घटा करके। क्यों घटाते हैं 1 में से, क्योंकि 1 दर्शाता है टोटल, तो 1 में से 1/4 घटा लेंगे तो शेष बचेगा 3/4, अर्थात टोटल राशि का 3/4 भाग क्या हो गया, उसके पास अब शेष बच गया। तब ये शेष राशि रहेगा कितना महीना, ये शेष राशि रहेगा मात्र 7 महीना, क्योंकि 10 महीना में ही हमको लाभ बांटना है, 10 महीना में से 3 महीना तो रह चुका है, अब मात्र बचा इधर 7 महीना के लिए। तो शेष राशि 7 महीना पे इतना लाभ मिलेगा और 3 महीना में इतना लाभ मिलेगा। अब बी के बारे में क्या कहा, अब बी के बारे में जरा देखिएगा, बी के बारे में भी कहा गया कि बी भी 3 महीना के बाद 1/5 भाग पूंजी वापस ले लेता है, तो 3 महीना तक तो फिलहाल इतने पे लाभ मिलेगा, 5 पर, और 3 महीना के बाद क्या किया कि 1/5 भाग पूंजी को वापस ले लिया, तो शेष बचा कितना पूंजी, 4/5, 1/5 का शेष भाग कितना, तो 4/5, यानी टोटल राशि का 4/5 भाग उसके पास बचा। अब ये शेष राशि कितने महीना रहेगा, 10 महीना में से 3 महीना इधर, तो 7 महीना शेष इधर रहेगा, तो टोटल ये हो गया बी का लाभांश और ये है ए का लाभांश। तो जब इसको शॉर्ट करके लिखिएगा अनुपात को, तो ये हो गया किसका अनुपात, लाभांश का अनुपात, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 4 × 3 = 12 + 7 = 21, इधर 5 × 3 = 15 और 7 × 4 = 28, 2 × 1 = 3, 2 × 1 = 3, तो इधर भी जोड़ना होगा।
आठ पाँच 13 का 3 शेष 1 1 1 दो दो 4। तो ये हो गया लाभांश का अनुपात, अर्थात ए को अगर 33 रुपया लाभ होगा तो वहीं बी को 43 रुपया लाभ होगा। अगर दोनों का टोटल लाभ की बात करें तो 3 3 6 4 3 7, तीनों दोनों का टोटल लाभ अनुपात में 76, लेकिन संख्या में इतना ये लगता है 4 बार में ये कटेगा। अनुपात वन बराबर 400। अब इसी अनुपात वन के मान से अलग अलग गुना कीजिएगा तो 33 गुने 400 और 43 गुने 400, 4 3 12 दो बाकी 1, 4 6 16 1 17। यह हो गया बी का लाभांश, 4 3 12 दो बाकी 1, 4 3 12 बाकी वाला 1 13। तो ये हो गया किसका लाभांश, ए का लाभांश और वो बी का लाभांश। यही हो गया आंसर 5 का। आंसर मिला नहीं है, आंसर कहीं मिस्टेक लग रहा है, हो गया फिर से चेक कर लीजिए। आंसर मिस्टेक की बजाय यहाँ पर ये है कि यहाँ पे ये 8 बार में कटना चाहिए था, अर्थात 800 बार में, तो यहाँ पे होगा 800, यहाँ भी होगा 800। तो फिर से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 3 24 के 4 बाकी 2, 8 3 24 2 26, और ये 8 3 24 के 4 शेष 2, 4 4 32 2 34। ये हो गया बी का लाभांश। तो गुना में मिस्टेक था थोड़ा काटने में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। छठा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। ए और बी ने क्रमशः 50,000 और 60,000 लगाकर के एक व्यापार आरंभ किया। ये यहां से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरुआत होता है, देखिएगा क्या क्या है। ए और बी, ये लगाता है कितना 50,000 और ये लगाता है 60,000। तो यहां से पूंजी का अनुपात हो गया 5:6, पूंजी का अनुपात 5:6। आगे पढ़िएगा क्या कहा कि ए को व्यापार का प्रबंधन यानी प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है। मतलब कि ए को मैनेजमेंट का काम है तो कितना दिया जा रहा है, जितना लाभ हुआ टोटल का 12.5% दिया जा रहा है। फिर आगे कहा शेष लाभ को उसके पूंजी के अनुपात में बांट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लाभ जो 8,800 रुपया हुआ था, ये टोटल लाभ जो 8,800 रुपया हुआ, इसमें से 12.5% किसको दे दिया, ए को। क्यों दिया, क्योंकि वो मैनेजमेंट का काम संभाल रहा है तो उसको 12.5% काट के दे दिया। तो हम देखते हैं कि पहले ए को कितना रुपया मिलता है मैनेजमेंट के काम हेतु। ए को प्रबंध कार्य हेतु मिलेगा कितना रुपया, टोटल जो है लाभांश 8,800, इसका 12.5% का मतलब हो गया 25/2 और प्रतिशत के बदले नीचे 100, 100 से कटेगा 2 से 44 बार में, 25 चौका 100 के 0 बाकी 10, 25 चौका 100 110, अर्थात 1,100 रुपया मिलेगा ए को मैनेजमेंट का काम के लिए। और तब 8,800 में से 1,100 रुपया तो ए को मिल गया, तो शेष बचेगा कितना राशि, शेष लाभांश कितना बचेगा, तो 8,800 में से घटा करके जो बचेगा
1100 रुपया, तो वो हो गया 77 सौ रुपया। अब इसी 77 सौ रुपया को बांटना है पूंजी के अनुपात में, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि शेष लाभ को उसके पूंजी के अनुपात में बांटिए। तो टोटल लाभ अनुपात में 6, 5, 11, लेकिन संख्या में टोटल लाभ कितना 77 सौ। ये नहीं लेना है, ये लेंगे क्यों, क्योंकि कहा कि शेष राशि को पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। तो यहां से कटेगा 11 77 अनुपात 1 = 700। जब अलग अलग गुना कीजिएगा तो टोटल राशि मालूम हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे ए का लाभांश और बी का लाभांश। ए का लाभांश कितना हो गया 5 × 700, ये तो हो गया। और मैनेजमेंट का जो काम मिला उसको भी जोड़ दीजिए, तो टोटल लाभ इसका अकेला हो जाएगा 7 × 5 = 3500 प्लस 1100, तो हो गया 5 × 6 = 3400, 4600 रुपया ए का। और बी का लाभांश 6 × 700, 6 × 3 = 4200 रुपया हो गया किसका, बी का लाभांश 4600 और 4200 आंसर होगा 7, 6 नंबर का। कहीं डाउट समझने में लिख लीजिए, अगर समझने में कहीं दिक्कत है तो फिर से इसको वॉच कीजिए अच्छी तरह से, जब तक आप समझ ना जाइए तब तक आगे मत बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 7वां प्रश्न पढ़ते हैं क्या कहता है। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 40,000 लगा करके साझेदारी करते हैं। बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 रुपया प्रति महीना मिलता है। प्रत्येक के पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभों को साझेदारों में उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो 40,000 के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। गौर कीजिए, ए है और बी, इसका पूंजी है 10,000 और इसका पूंजी है 40,000, ठीक है। फिर तो यहां से पूंजी का अनुपात बनेगा कितना, 1:4, ये दर्शाता है पूंजी का रेशियो। आगे कहा गया क्वेश्चन में कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 रुपया प्रति महीना मिलता है। तो बी को मिलेगा व्यापार के देखभाल के लिए कितना, बी को मिला व्यापार देखभाल है तो कितना मिलेगा, 1,000 रुपया प्रति महीना। तो 1,000 रुपया मिलता है एक महीना में, तो 12 महीना में कितना मिलेगा टोटल 12,000 रुपया, ठीक है। फिर आगे फिर कहा कि प्रत्येक के पूंजी पर 5% की दर से ब्याज मिलता है, यानी कि ए को भी ब्याज मिलता है और बी को भी मिलता है ब्याज। तो लिखेंगे ए को मिला ब्याज, ए को कितना मिलेगा, इसका पूंजी है 10,000, तो जितना पूंजी है उसका 5% मिलेगा इसको, क्या चीज 5% प्रति वर्ष, एक वर्ष पे 100 गुना कर दीजिए। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 500 रुपया, 500 रुपया साल भर में इसको मिलेगा ब्याज ए को। तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा ब्याज, इसको भी कहा कि जितना पूंजी है उसका 5% वार्षिक दर से मिलेगा, 5 × 20, इसको मिलेगा 2,000 रुपया प्रति वर्ष ब्याज। तो टोटल कितना हो गया, भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को साझेदार में उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो देखिएगा टोटल लाभांश यहाँ पे दिया गया 40,000, टोटल लाभांश कितना है ध्यान दीजिएगा, कुल लाभांश साल भर में दोनों का होता है 40,000। तो इस 40,000 के लाभ में से
चार हजार के लाभ में से ये सब काट करके 12,000 प्लस 2,000 प्लस 500, ये राशि को काट करके जो बचेगा उसको पूंजी के अनुपात में बांटेगा। ये हो गया शेष लाभांश। घटा दीजिए इसको, हल करके कितना आता है, 12,000 और 2,000, 14,500। 20 दस में से 5 घटेगा 5, 9 में से 4 घटेगा 5, 3 में से घटेगा 2, तो ये हो गया 25,500 रुपया शेष लाभ। अब इसी शेष लाभ को बांट रहा है पूंजी के अनुपात में, यानी कि टोटल पूंजी अनुपात में 5, लेकिन संख्या में कितना है, 25,500। 5 एकम 5 अर्थात अनुपात 1:5100। अब इसी से अलग अलग गुणा कीजिएगा तो सबका हिस्सा निकल जाएगा। यहाँ से हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, तो ए का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा, ए का भाग और बी का भाग निकाल लेते हैं। ए का भाग होगा, ए को मिला ब्याज कितना, 500 रुपया ये, और ए का जो लाभांश है अनुपात में 1, यानी कि 5100 × 1 = 5100 अर्थात 5,5600 ये हो गया। ये हो गया किसका, ए का लाभांश। अब बी का कितना, बी का जो लाभ होगा ये 12,000 मिला महीना अलग, और ये 2,000 मिला था ब्याज ये अलग, तो 12×2 = 14,000 ये, और ये 5100 × 4, 4×5100 प्लस 14,000, 4×1=4, 5×2=20। तो ये जोड़ दीजिए आ जाएगा आंसर। ये हो गया किसका लाभांश, बी का भाग। तो इस तरह से 7 नंबर का भी काम कंप्लीट हो गया। आइए 8वां प्रश्न हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद इसको देखेंगे कैसे बनेगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, 8 में क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर के एक व्यापार आरंभ किया, ए अकेला कितना रुपया लगा रहा है, 4,50,000, और ये इस शर्त पर ये पूंजी लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% की दर से ब्याज देगा तथा लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1200 रुपया प्रति महीना भी दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में बी की आय 1 की आय से आधी हो तो बी के कुल वार्षिक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ए की पूंजी है कितना, ए की पूंजी इतना राशि है, कहा क्या कि इस कंडीशन पर यह लगाया कि आधी पूंजी पर बी 10% की दर से ब्याज देगा। बी ए को ब्याज देगा कितना, यानी कि ए जितना राशि लगाया है, ए राशि लगाया था इतना, इसका आधा जितना होगा, इसके आधा, प्रश्न में कहा गया कि आधी पूंजी पर 10% की दर से, आधा पूंजी 4,50,000 का आधा जो होगा उस पर 10% की दर से जो ब्याज होगा वो बी देगा ए को। तो कितना हो गया ये राशि टोटल, 2×0 = 2, 0 कटेगा 2 से 22×2=44 शेष बचेगा 1,22,500 रुपया बी किसको देगा, ए को, मतलब कि बी को जितना लाभ होगा
वो अपने लाभ में से 22,500 रुपया किसको दे देगा? ए को दे देगा। आगे फिर पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ब्याज देने के बाद लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, और लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1,200 रुपया प्रति महीना भी दिया जाता है। बी जो है व्यापार का निरीक्षण करता है, तो बी को मिलेगा कितना? बी को निरीक्षण कार्य के लिए मिलेगा 1,200 रुपया प्रति महीना। 1,200 रुपया महीना मिलेगा, यानी कि 12 महीना में कितना मिलेगा? 12 12 144 पर 2 0, यानी 14,400 रुपया इसको मिलेगा निरीक्षण कार्य के लिए। आगे क्वेश्चन में कहा, यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय से आधी हो तो कुल वार्षिक लाभ ज्ञात कीजिए। कुल वार्षिक लाभ, कुल वार्षिक लाभ मान लेते हैं 1 रुपया। माना कुल वार्षिक लाभ कितना? 1 रुपया। तो ये जो वार्षिक लाभ है 1 रुपया, इस 1 रुपया में से यानी टोटल लाभ जो हुआ उसमें से 14,400 रुपया काट दीजिए, क्योंकि ये 14,400 रुपया बी को मिल जाएगा किस काम के लिए? निरीक्षण काम के लिए। तो 1 रुपया में से 14,400 रुपया काट करके जो बचेगा वो हो गया शेष लाभ, शेष लाभांश इतना, और इसी शेष लाभ को बांटा जाएगा अलग अलग भाग में। तो शेष लाभांश को प्रश्न में क्या कहा, किस प्रकार से बांटना है? लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो अंत में क्वेश्चन में कहा, यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय से आधी हो, प्रश्न के अंत में कहा कि बी की आय ए की आय जो होगा उसका आधा होगा, बी की आय ए की आय का आधा होगा, मीन्स बराबर, अर्थात बी की आय और ए की आय इस रूप में हमको समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। बी की आय कितना है? बी की आय 14,400 रुपया, ये तो निरीक्षण कार्य के लिए मिला था, ठीक है। और लाभ जो हुआ था एक्स माइनस 14,400, तो ये शेष लाभ में से आधा लाभ इसको मिलेगा, शेष लाभ ये था ना, इसमें से आधा इसको मिला, तो आधा फिर किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो ये आधा भाग इसको मिल गया, ठीक है। तो कहा कि जितना लाभ हुआ बी को उस बी के लाभ में से 22,500 रुपया काट दीजिए। क्यों? क्योंकि 22,500 रुपया किसको दे देगा? ए को देगा। तो जब ये ए को देगा तो ए को मिलेगा 22,500 रुपया ये, और ये जो लाभ था इसका आधा भाग इसको मिला था और आधा भाग इसको मिलेगा। तो एक्स माइनस 14,400 बट्टा में 2 ये मिला किसको? ए को। तो ये हो गया ए का आय। तो जितना टोटल ए का आय है उसका आधा हो गया किसका? ए का। तो इस प्रकार से समीकरण बना। इस समीकरण को अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल करके जो आएगा एक्स का वैल्यू वही होगा किसका लाभांश? टोटल वार्षिक लाभांश। तो हमें यहां निकालना है किसका, अलग अलग सबका निकालना होगा, कुल वार्षिक लाभ। तो एक्स निकालिएगा तो वही आ जाएगा आपको। चलिए इसको लिखिए पहले। समीकरण को हल करिए, किस प्रकार से हल करेंगे।
ये टू है, टू से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 14,400 ये या प्लस ये एक्स बाई टू होगा माइनस ये 7 दूनी 14, 7,000 नहीं, यहाँ पे 14,400 होगा, 14,400। अब ठीक है, एक जीरो खत्म हो जाएगा, फिर से इसको लिख देते हैं। तो ये कट के कितना होगा, 2 सती 14, 7200, दो से अलग अलग कर दिए। अब ये माइनस 2200, 22,500 लिख देंगे बराबर। ये 1/2 से अलग अलग दोनों में गुना कर देते हैं, ये 1/2 से जब इसके साथ गुना होगा तो ये कटेगा, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, शेष बचेगा 1 2 5 10। तो ये 1/2 से इसके साथ गुना करने पे इतना आएगा, कटेगा 2 से, फिर प्लस ये 1/2 से इसके साथ गुना, इसके साथ गुना, तो 2 2 दूनी 4, यानी एक्स बट्टा 4 माइनस ये 4 से इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12 शेष बचेगा 2, 4 6 24, 3600। एक्स वाला पार्ट को एक तरफ कर दीजिए और बिना एक्स वाला को एक तरफ ले जाइए, तो एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय फोर, ये हो गया कितना, 11,250 माइनस 3600, और ये प्लस 14,400 इधर आएगा, तो माइनस में 72,000, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 22,500। कोई डाउट समझने में? चलिए ये हो गया 2 दूनी 4, दो बार में कटा, 2x में से x घटेगा यानी x बाय 4, इसको हल कीजिए, प्लस वाला को एक साथ माइनस वाला को एक साथ कर लेते हैं, ये प्लस वाला है एक साथ हल हो जाएगा, 0 0 0 5, आप इसको हल कर लीजिएगा, इतना काफी है। x का मान निकालिएगा तो वो जो होगा वो होगा किसका, कुल वार्षिक लाभांश जो हमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझने में कहीं डाउट नहीं, अगर आप चाहिए तो एक बार फिर से हम समीकरण आपको समझा देते हैं। प्रश्न में कहा कि बी की आय ए की आय का आधा है, बी की आय क्या क्या था हम ये पहले जान लेते हैं। बी की आय ये है, सॉरी ये है बी की आय, निरीक्षण कार्य के लिए मिला था 14,400, और शेष लाभ जो बचा था उसमें से आधा इसको मिला था, आधा इसको मिला, ठीक है। तो टोटल लाभ ये जो हुआ किसका, बी का, ये टोटल लाभ में से इतना रुपया काट को दे देगा ए को, तो काट के देगा इसका मतलब घटा करके जो बचा वो किसका होगा, बी की आय। तो ये हो गया बी की आय, तो ये काट करके यानी कि 22,500 रुपया बी अपना में से निकाल कर किसको दे दिया था, ए को दे दिया, तो ये हो गया ए की आय, ए की आय, और ये जो आधा मिला था लाभ, ये टोटल लाभ का आधा भाग, टोटल लाभ का आधा है किसका, बी की आय का। तो इस प्रकार से समीकरण को हल करना होगा, एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ये जोड़ घटाव है आप कर सकते हैं आसानी से, एक्स का मान निकल जाएगा तो वही होगा किसका, ये टोटल वार्षिक आय। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 तक ही रहने देते हैं, शेष 9 क्वेश्चन बच रहा है जो हम लोग अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो मेरा साझा का पूरा काम क्या होगा अपना कंप्लीट हो जाएगा, साझेदारी का पूरा काम अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे, तब आप लोग रिवीजन कीजिएगा, बनाइएगा बढ़िया से, आपको एक भी क्वेश्चन अब यहाँ से एग्जाम में नहीं छूटेगा, अगर आप अच्छी तरह से इसमें मेहनत कर लिए बना लिए हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मिला है हमको, ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन लॉन्ग ही मिलेगा, तो ये तो समझने के लिए थोड़ा ऐसा करना पड़ा, हम डायरेक्ट समीकरण भी लिख सकते थे ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, तो इसलिए हम सॉल्यूशन को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो। तो एक दो क्वेश्चन लंबा मिलता है और इससे ज़्यादा घबराने का आपको जरूरत नहीं है कि एक क्वेश्चन लंबा हो गया है, एक दो क्वेश्चन मिलेगा, बाकी क्वेश्चन आप देखें किस तरह से हम शॉर्टकट बनाए थे।
तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा तो उससे कोई प्रभाव आपको बनेगा नहीं। तो आज आप लोग यहीं तक रखिए, बना लीजिएगा टोटल क्वेश्चन को, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपसे अपने मन से कितना क्वेश्चन बनता है। तो हम अगले एक वीडियो में फिर मिलते हैं, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं।